नमस्कार दोस्तों, भारत की पहचान दुनिया में बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अब ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापारिक समझौते किए हैं। इसकी एक झलक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत के साथ नए व्यापारिक समझौते का जश्न मनाने के लिए अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह उनके भारतीय समक्ष नरेंद्र मोदी की पसंदीदा खिचड़ी बनाते नजर आ रहे हैं। दरअसल वायरल हो रही इस तस्वीर में स्कॉट मॉरिसन भारत के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं, जिसे उन्होंने इंडियन डिश बनाकर सेलिब्रेट किया है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल में अपनी तस्वीर शेयर करते हुए स्कॉट मॉरिसन ने कैप्शन में लिखा है कि भारत के साथ हमारे नए व्यापार समझौते का जश्न मनाने के लिए मैंने आज गुजरात करी पकाने का विकल्प चुना है, जो कि गुजरात के मेरे प्रिय दोस्त नरेंद्र मोदी की पसंदीदा खिचड़ी है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब स्कॉट मॉरिसन ने भारतीय डिश को एंजॉय करते देखा जा रहा है। इससे पहले वह केरल के फेमस डिश को बनाते देखे गए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस व्यापार समझौते पर 2 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पर आने वाले कपड़े, चमड़े, गहने, स्पोर्ट्स आदि के 95% भारतीय उत्पादकों को टैक्स फ्री एंट्री कर दिया था, जिसे मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है। भारत क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। सारे देश भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का फायदा उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती है। इसलिए ये बड़े बड़े नेता कुछ न कुछ करके भारत को खुश करना चाहते हैं, जिससे कि आपस में व्यापार बढ़ाया जा सके। 2-3 दिन बाद अमेरिका के साथ 2+2 मीटिंग भी होनी है, वहाँ भी अमेरिकन भारत को खुश करने की कोशिश करेंगे।